नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त और आपका होस्ट। स्वागत करूंगा आपका। जेमिनी वालों का कैसा रहेगा आने वाला महीना, जो कि होगा अक्टूबर का महीना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना उचित समझता हूं कि ये राशिफल लगन पर आधारित होगा, ना कि चंद्र और सूर्य राशि पर। साथ ही साथ बहुत सामान्य होगा। आपकी राशिफल का आपकी कुंडली पर क्या विशेष महत्व है, वो आपके कुंडली या आपके हाथ के विवेचन यानी एनालिसिस से ही पता चल सकता है। साथ ही साथ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों का कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करें आपके जीवन में उजाला उजाला हो और आप धन धान्य से पूर्ण रहें। मिथुन राशि वाले आध्यात्मिक कार्यों से जुड़ते हुए इस महीने दिखाई दे रहे हैं और घर परिवार में भी आनंद का माहौल दिखाई दे रहा है। काफी अच्छे मिष्ठान आपको खाने को मिल सकते हैं, काफी अच्छे घूमने फिरने आप जा सकते हैं। कुल मिलाकर महीना शांतिपूर्ण रहेगा। आपको लाभ होते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं, आपके प्रमोशन यहाँ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो लोग अभी नए नए नौकरियों में लगे हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए कुछ चुनौतियाँ यहाँ पर हो सकती हैं। पहले सप्ताह की अगर बात करूँ तो अपने वरिष्ठ यानी कि जो एक्सपीरियंस पर्सन है, उनके साथ थोड़ा सा आर्गूमेंट से बचने की हिदायत मैं आपको दूंगा, क्योंकि अगर आप उनके साथ आर्गुमेंट्स करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मेंटल स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं। हालांकि घर में लाभ की स्थिति बनी रहेगी, सामाजिक स्थिति भी में भी सुधार होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। मित्रों के साथ आपका समय जो है वो बीतेगा। तो कुल मिलाकर आपको पहले सप्ताह में जो ध्यान रखना है वो रखना यही है कि अपने जो एल्डर्स हैं उनके साथ ज़्यादा उलझने की ज़रूरत आपको नहीं है। दूसरे सप्ताह की अगर बात करूँ तो प्रेम मैटर्स के लिए काफ़ी अच्छा है, लव मैटर्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है, और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला कि क्रोध पर थोड़ा सा अपना नियंत्रण रखें, कंट्रोल रखें और किसी पे ज़्यादा शक ना करें, तो आपका ये सप्ताह भी अच्छा निकल जाएगा। संतान का सुख यहाँ पर बना रहेगा। संतान आपको अच्छा फीडबैक यहाँ पर देती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं तीसरे सप्ताह की। आय के और कैरियर में काफ़ी अच्छा, फाइनेंस में काफ़ी अच्छा यहाँ पर मजबूती दिखाई दे रही है। कार्यों के सफल होने से आपका मन भी अच्छा रहेगा और मैनेजमेंट लेवल से आपके संबंध यहाँ सुधरते हुए दिखाई देंगे। जो प्रॉब्लम्स अभी पिछले 2 सप्ताहों में चली थी वो अब धीरे धीरे खत्म होंगी, और लव मैटर्स में भी यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपने प्रेमी के साथ घूमने कहीं जा सकते हैं या कोई उपहार उसे दे सकते हैं। व्यापार में भी लाभ तो होगा, लेकिन जितना आपने एक्सपेक्ट किया है शायद उतना ना हो। बात कर लेते हैं चौथे सप्ताह की। आपका अब जो स्थिति है अपने मैनेजमेंट के साथ वो काफ़ी अच्छा है। अपने जो आपके बड़े लोग हैं उनके साथ आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो वो ऐसे चलने दीजिए। नौकरी वालों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा। सहकर्मियों के साथ आपका सहयोग बना रहेगा। प्रेम प्रसंगों के हिसाब से थोड़ा बहुत खट्टा मीठा ये सप्ताह रह सकता है, तो थोड़ा आर्गूमेंट से फिर से बचें, क्योंकि यहाँ शिफ्टिंग होगी। पहले आप आर्गूमेंट्स कर रहे थे अपने कैरियर्स में, लेकिन जैसे जैसे महीना बढ़ेगा तो आपके आर्गूमेंट्स जो हैं वो अपने जो जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे थोड़ा सा नोकझोंक होने की स्थिति यहाँ पर बनती है, लेकिन कोई मेजर नहीं है, माइनर रहेगी। थोड़ा बहुत प्यार की जो टकरार है वो यहाँ पर होती रहेगी। सडन गेन आपको मिल सकता है लास्ट सप्ताह में। 18, 27 और 28 को थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर जो महीना है वो अच्छा ही कहूँगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। एंजॉय कीजिए इस महीने को। बस थोड़ा सा जो मैंने आपको बोला है उस पर आप ध्यान रखेंगे तो साल, बल्कि कहूँ महीना काफ़ी अच्छा जाएगा। इसके साथ साथ जो मैंने और वीडियोस बनाए हैं आप उनको भी देखिए और कमेंट करिए इस वीडियो को देखने के बाद कि कैसा लगा आपको। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं हमसे तो सबसे पहली बात तो यही है कि जितने एनालिसिस हम लोग करते हैं वो पेड होते हैं। 9411848508 999 623 8253 हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं। आप सभी से गुजारिश है हाथ जोड़कर कि कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा। साथ ही bhatnagar@2411@gmail.com पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट भी आप देख सकते हैं, इसके साथ साथ 99advice.com भी आप देख सकते हैं। सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।
दोस्तों मेरी ऐप भी अब लॉन्च हो चुकी है, 500 550 लोगों ने उसको डाउनलोड भी किया है। कुछ कमियां हैं उस ऐप में, तो वो धीरे धीरे हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी आपको हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि उसको डाउनलोड कीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोज़ हमारी एक ही जगह मिल जाएँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को, और हेल्प कीजिए मुझे कि मैं जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचूँ। अभी मैं 73,000 पर हूँ, तो आप सभी का प्रयास अगर रहेगा, आप सबका आशीर्वाद रहेगा, तो हम लोग 1 लाख पर बहुत जल्दी पहुँचेंगे। लाइक करिएगा, डिसलाइक करिएगा, जो आपको लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, सब कुछ बताइएगा मुझे मैसेज करके। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए।